आज हम देखेंगे कि जो हमारे किचन में जो धनिया सीड्स होते हैं उससे हम लोग जल्द से जल्द मतलब 8 दिन में धनिया कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो धनिया की एक खास बात होती है कि ये जो एक धनिया है इसमें दो बीज होते हैं। तो हम लोगों को भी पहले क्या करना होगा कि ये जो धनिया है इनको क्रश करके एक धनिया से दो बीज निकालना है। तो मैं अभी ये जो घर के ही हमारे जो बर्तन है उसी उनकी हेल्प लो लेके मैं इनको अभी क्रश कर रहा हूँ ताकि मुझे बीज मिल जाए धनिया के। तो आपको इसको प्रॉपरली क्रश करना है और आप देख सकते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड भी हो रहे हैं। तो ये देखो ये देखो आपको एक धनिया से दो बीज मिल रहे हैं। ये देखो ये जो है ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ये जो है ये धनिया के एक्चुअल बीज है। तो हम लोगों को ये अच्छी तरीके से क्रश करना है ताकि पूरा जो हर एक जो धनिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। देख सकते हैं अभी पूरा जो धनिया है ये प्रॉपरली क्रश होके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हम लोगों को अभी बीज मिल गया है। तो अभी इसके बाद हम लोगों को ये जो बीज है ये सीड्स है ये अभी 4 घंटे के लिए पानी में रखना है। अभी इनमें पानी डाल दो और 4 घंटे के लिए इनको ऐसे ही रहने दो। अब हम लोगों को जो मिट्टी लगने वाली है ये हम लोग नॉर्मल मिट्टी लेने वाले हैं जो गार्डन सॉइल हमारी रहती है वही। अगर आपके पास कंपोस्ट या गोबर है तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो फ़िलहाल अभी ये नॉर्मल मिट्टी ही लेने वाला हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ मिट्टी है ये। ओके, अभी जो मैंने गार्डन सॉइल ली थी जो नॉर्मल मिट्टी ये मैंने ये पॉट में ली है। एक ही लेवल में आपको रखना है। और ये अभी जो मैंने सीड्स है इसमें जो बीज है ये जो मैंने पानी में रखे थे 4 घंटे के लिए ये अभी आप लोगों को इक्वली स्प्रेड करना है ये मिट्टी के ऊपर। अभी इसके बाद आपको एक मिट्टी का हल्का सा लेयर देना है ताकि ये सीड्स है ये सब ढक जाए अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा मिट्टी का एक लेयर उनके ऊपर बना रहा हूँ। और एक बात और है कि ये जो आपका पॉट है ये आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे एटलीस्ट 1-2 घंटा तो इसको दिन में धूप मिल जानी चाहिए क्योंकि कोरिएंडर ग्रो होने के लिए धूप की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। आप पूरे आपको छाँव में नहीं रखना है। अभी हम लोगों को जो पानी देना है ये बहुत ज़्यादा पानी देना है क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ये पूरी मिट्टी है वो भीग जानी चाहिए। और इसके बाद आपको जैसे कि आपने अगर धूप में रखा है या छाँव में रखा है उसके हिसाब से आपको पानी देना होगा। अगर मिट्टी जल्दी सूख जा रही है तो हर रोज़ आपने पानी दिया तो भी चलेगा, नहीं तो वही है मिट्टी में कितनी नमी है उस हिसाब से आप पानी दे सकते हैं। अल्टरनेट दे दिया तो भी चलेगा। मैं अभी आपको 8 दिन के बाद वाला रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं एक धनिया कितने सही से ग्रो किया है। एक्चुअली मैं 6वें और 7वें दिन वाला शूटिंग लेना भूल गया था। एक्चुअली ये 6वें दिन से अंकुरित होना स्टार्ट हुआ था तभी आप इसमें देख सकते हैं कुछ बीज अभी भी अंकुरित हो रहे हैं। तो
देखो कितना सही से ग्रो किया है। अब मैं एक काम करूँगा, मैं आपको हर 2 दिन बाद वाला रिजल्ट दिखाऊंगा, जैसे कि अभी ये पहला 8 दिन वाला है, उसके बाद 10 दिन वाला, बाद में 12 14 दिन वाला, ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा। और कब हार्वेस्टिंग करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये देख सकती है, ये 10 दिन के बाद वाला रिजल्ट है। देखो ये अभी कितना फास्ट ग्रो कर रहा है ये। हम लोगों ने इसमें कुछ केमिकल भी यूज़ नहीं किया है, कुछ फर्टिलाइजर्स भी यूज़ नहीं किए हैं, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल मिट्टी में ये उगाया है। और देखो इसमें पानी अभी नमी है इसलिए मैं नहीं डाला हूँ, और अगर आपको लगता है कि मिट्टी थोड़ी सूख रही है तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। आज 18वां दिन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितनी सही से ग्रो हुई है, और ये पूरी तरीके से अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी भी है। आप आज से दिन से आपको जैसे आपको किचन में लगेगी वैसे आप ये निकाल सकते हो। मैं तो आज ये थोड़ा बहुत निकालने वाला हूँ। और इसमें अभी हम लोगों ने कुछ केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया, तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक भी है।